यहाँ से मिलता है भाई स्टूडेंट को खाना, लाइन लगा के आना पड़ता है और यहाँ से भाई स्टूडेंट खाना लेके जाते हैं, यहाँ पे बैठ के खाते हैं। तो भाई गुड इवनिंग सबको, के अभी हो गए बस शाम और हमने का निकले भाई कॉलेज ला। कैसे आज के ब्लॉग में देखा एक बार कि हमने हॉस्टल फैसिलिटी कैसन बटे, क्योंकि भाई बहुत लोगों का डिमांड था और जो लोगों का डाउट रहता है कि भाई सिविल ब्रांच का पढ़ाई कैसा होता है। ये मेरा दोस्त है सिविल ब्रांच, भाई बताओ क्या बोले सिविल ब्रांच के बारे में। सिविल में अभी नया नया टीचर आए हैं, दो तीन तीन टीचर आए हैं, बहुत अच्छा पढ़ा हो रहा है। रेगुलर मतलब कहते हैं ना सबसे ज़्यादा पढ़ाई तो समझो तो सिविल ही में हो रहा है, 4:30 बजे तक एकदम। देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डॉक्टर का सिविल में पढ़ाई हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी भाई जीपी गोपालगंज में हर एक ब्रांच में भाई अभी के टाइम में भाई सबसे बेस्ट पढ़ाई हो रहा है, करना। तब भाई जेकरा भी भाई आए एक बार जीपी को पालेंगे, भाई आंख बंद करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं। था पॉलिटेक्निक कॉलेज के बोर्ड भाई बॉयज स्कूल के हॉस्टल ये जहाँ हमारे भाई जूनियर लोग बा। अभी हम आ गए बनी कॉलेज के अंदर और कॉलेज में आए भाई दो मकसद बा। पहला चीज कि मेरे CS डिपार्टमेंट में एक नए सर आए हैं, उनसे मिलना है, और दूसरा भाई आप लोग का डिमांड पूरा करना भाई ब्लॉग बना के। मेरा कॉलेज कितना खूबसूरत है, आपको इतना खूबसूरत कॉलेज पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा भाई। देख लो व्यू, हॉस्टल के भी अलग कैंपस बटे, अलग बाउंड्री के अंदर हॉस्टल बटे और इधर बा कॉलेज। अरे बोलो ना सूरज की किरणें, आने दे मेरे मिस, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। मेरा दोस्त अरिहंत जो आज हमको हेल्प करने आया भाई ब्लॉग बनाने में। इज माई मोस्ट हैंडसम मोस्ट स्मार्ट माई HOD सर, हमारे CS डिपार्टमेंट के HOD सर, जिनसे भाई मिलके हम काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी तारीफ सुने थे सर का, और जैसे सर हम सुने थे ना बिल्कुल हमको वैसे ही आप मिले हैं। तो भाई अभी हमको जिस सर से मिलना था उनसे मिल के आ गए हैं और अभी हॉस्टल के बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं मेरे जूनियर का, हर्ष ब्लॉगर का, भाई वही आएगा तो उसी के रूम में भाई जाके दिखाएंगे कि हम भाई कैसा क्या क्या है। देखा जीपी गोपालगंज में चारों तरफ ग्रीनरी है ग्रीनरी, भाई ऐसा नज़ारा आपको दूसरे किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा। अपनी कॉलेज के पुराना भाई छोटा वाला कैंटीन कॉलेज का पीछे। देखो भाई जो लोग को लगता है ना भाई हम लोग कॉलेज में रैगिंग ये सब कुछ लोग भी पूछ रहे थे, उनको हम बता दें भाई देखो हम लोग बाहर खड़ा होकर क्लास के जूनियर के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। भाई यहाँ सब कुछ फ्रेंडली है, मतलब कोई किसी को परेशान नहीं करता है, जूनियर सीनियर भाई सब कोई भाई भाई है, ठीक है। तब आ रहा है हमारा जूनियर और हम लोग जा रहे हैं भाई हॉस्टल घुमाने। भाई भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और ओकरा अंदर के भाई कुछ ऐसा व्यू बा। एक पहले एक हमने भाई बाहर इंतजार करनी है, फिर भाई गेट के बाहर एक इंतजार करनी है, तब भाई आधा घंटा बाद हमारे हर्ष भाई निकले हैं, हमारे जूनियर है, ठीक है भाई। तो भाई हमने कहा चलो भाई अब हॉस्टल देखा भाई आ गए बनी हमने हॉस्टल कैंपस का अंदर, ठीक बा। और ज़्यादा कुछ हम बाहर ना देखें, कैसे बाहर भाई देख देख के तो नहीं बोर होके हो गए लोग बा, तो जाता नहीं भाई अंदर से दिखाए हम सीधे। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। BH2 जेकरा अंदर भाई हम तो नहीं कर दिखाया जाता नहीं, और यहाँ से बा भाई सीधे एंट्रेंस। लगा है स्टूडेंट के लिए लिफ्ट जो कि आप यूज कर सकते हैं भाई 24 आवर्स। भाई मेस देख लो भाई कौन रेस्टोरेंट से भाई कम नहीं है भाई, देख लो कितना हैवी मेस बटे, ऐसा मेस भाई बहुत कम कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा भाई। कितना सुंदर है नज़ारा और आप सभी को दिखा दें भाई स्टूडेंट के लिए भाई अपने मेस में भाई वाटर कूलर भी लगा हुआ है भाई, एकदम शुद्ध वाटर भाई, हाइजीन से कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है यहाँ पे। खाना कैसा है भाई? और बाकी भाई एक आदमी सही नहीं भाई, हम और लोगों से भी पूछ के खाना का रिव्यू आप सभी को देंगे। यहाँ से मिलता है भाई स्टूडेंट को खाना, लाइन लगा के आना पड़ता है और यहाँ से भाई स्टूडेंट खाना लेके जाते हैं, यहाँ पे बैठ के खाते हैं। इबा कैंटीन जहाँ भी रात के खाना सैल बने कटे और चावल वावल सब कुछ भाई, मतलब हाइजीन के भाई पूरा ख्याल रखा जाता और चारों तरफ पूरा भाई फ्रेश वातावरण बा। और भाई लिफ्ट से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन भाई हमने की ज़्यादा नहीं सफाई सीढ़ी से कहा है तो भाई कॉमन हॉल जही बंद बा भाई, बाकी देख ला भाई इमें चेयर कैसा लागल बटे, कितना तगड़ा एकदम।
और भाई भाई पूरा हॉस्टल मिला के भाई एगो हॉस्टल में भाई कम से कम भाई 50 कैमरा लागल बटे ताकि ये लोग भाई कुछ गलत फलत ना करो। ये पास जिससे मिलेगा खाना और ये मेरा हर्ष भाई का पास। हाँ भाई अभी बानी हम हॉस्टल के रूम के अंदर और अभी भाई हम बानी हर्ष का रूम में और यहाँ भाई हमारे 4 सब्सक्राइबर बैठल बा ठीक बा। अरे हमारे भाई पहला सब्सक्राइबर भाई भाई यहाँ सोचला का भाग जाए लेकिन भागे ना दिन बहुत हो रहा है ठीक बा। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम हरिओम हुआ। हाँ तो मैं हॉस्टल एक्सपीरियंस जो अभी तुम 3-4 दिन में जो तुम फील किया वो कैसा है सर? अब जाके इंजीनियरिंग लाइफ का फील आ रहा है। पहले हम लोग ढाला पे रहते थे लेकिन यहाँ पे कॉलेज लाइफ का रियल फील आ रहा है। और मेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेस का खाना सर सही है लेकिन वो पहले से जैसे जो खुद से बनाते थे वो ठीक था। तो भाई पर स्टूडेंट एक चेयर एक टेबल और यहाँ पे भाई ड्रॉअर का एकदम लॉकर के साथ भाई ये हर्ष का है भाई पर्सनल चीज ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते भाई सब कुछ यहाँ पे भाई अवेलेबल है। उसके अलावा भाई पर स्टूडेंट एक गोदरेज है भाई जहाँ पे आप लोग अपना कपड़ा ये सब रख सकते हैं। और यहाँ पे भाई 2 तरह का रूम है, एक है जिसमें 3 बेड लगा हुआ है और एक है भाई सिंगल रूम वाला। अभी आए हम कुछ इधर घूमने भाई, इधर हॉस्टल में भाई लॉन्ड्री भी दिया हुआ है जो अभी चालू नहीं है। अच्छा ये है टॉयलेट, अंदर जाके नहीं दिखाएंगे। और बाकी भाई एक और जूनियर हमको मिला यहाँ पे। तो भाई तुम्हारा हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा है भाई? हॉस्टल तो सर अच्छा है काफ़ी, मतलब सब कुछ मिलजुल के रह रहे हैं। और मेस का? मेस भी अच्छा, मतलब अच्छा खाना खिला रहे हैं। मतलब ढाला पर जब तुम रहते थे उससे बेटर तो भाई यहाँ तुम उससे अच्छा बेटर है सर। ठीक है भाई। और ये जो जूनियर है भाई मेरा, ये भाई मेरे ही शहर का भाई मोतिहारी का, एक और रूम भाई घूमे भाई हर्ष के गार्डन में, एक दो और रूम घूमे और भाई सोनी के दिखावे। तो भाई ये रूम नंबर 15। और भाई देखा भाई स्टूडेंट लोग भाई कितना यहाँ से यहाँ पे पढ़ने वाला भाई पढ़ रहा है भाई। भाई कौन सा ब्रांच है तुम्हारा? इलेक्ट्रिकल है सर। और यहाँ पे हॉस्टल का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत मस्त यहाँ हॉस्टल है। और मेस का फैसिलिटी? मेस भी बहुत मस्त, खाना खिलाता है जो नितेश सर है। थैंक यू भाई। और एक और लड़का भाई बेल्ट के पास रहा है भाई, उससे ही बात करते हैं भाई। भाई नाम क्या है तुम्हारा? क्या? विष्णु कुमार। तब कैसा यहाँ पे लग रहा है? और मेस? मेस भी अच्छा है, खाना भी बढ़िया। ठीक है भाई तुम लोग पढ़ो तो भाई, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं भाई, जो पढ़ रहा है जा रहे हैं भाई कहीं और। यहाँ पे हमारे जितेश सर और भाई नीतीश डॉन भी आ चुके हैं हॉस्टल घूमने। फ्लोर से भाई कुछ ऐसा व्यू आता है भाई, और यहीं से भाई एंट्रेंस। भाई फर्स्ट फ्लोर पर हम घूम ले बानी और कोनी ना रिस्क लेके भाई मारे बानी सेकेंड फ्लोर पर। भाई सारा रूम भाई आई फ्लू से इन्फेक्टेड बा। और एक है भाई भाई विकास जिसका रूम भाई इन्फेक्टेड नहीं है। हाँ है भाई सिंगल रूम भाई। और विकास का रूम जो भाई टॉपर लोग को मिलता है, तो भाई विकास से भाई टॉपर। क्या भाई तुम्हारा कौन सा ब्रांच है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पे? बढ़िया सर। और हॉस्टल में? स्टार्टिंग है, देखते हैं सर। तो भाई जो भी भाई सिंगल रूम में रहना चाहते हैं ना भाई, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है भाई, अपने पढ़ाई के दम पे आप सिंगल रूम हासिल कर सकते हैं। अगर भाई कुछ अगर भी हम भाई ज़्यादा पैसा देके भाई सिंगल रूम ले ली तो वो ना मिली भाई, थोड़ा टॉप करे कोई भाई। और टॉप 1-6 को ना, टॉप 1-5। और भाई जो लोग भी टॉप 1-5 में आएगा भाई वो लोग के भाई मिली सिंगल रूम। ठीक है भाई विकास भाई, भाई टॉपर बांध इंडिया का भाई, हम डिस्टर्ब नहीं करत। अही बार हमारे जूनियर तब भाई हम यहाँ से निकला नहीं। थैंक यू भाई। ऐसे भाई भी कितना भाई तगड़ा व्यू हुआ। अभी हमने जाना नहीं भाई टॉप फ्लोर पर, टॉप फ्लोर से भाई तो नहीं भाई व्यू देखा, लेकिन भाई उससे पहले भाई और व्यू भाई तो नहीं दिखाया के चाहता नहीं भाई। ये भाई जीपी गोपालन का हॉस्टल में भाई तो नहीं देखे मिले। बता दे भाई कि हम लोग हॉस्टल में भाई 2 छत है, एक है भाई जिसका स्टूडेंट्स हम नाम रखा भाई मिनी छत। भाई अभी हमने के बाद मिनी छत का ऊपर, और मिनी छत से के ऊपर से हम तो नज़ारा दिखावे के चाहता नहीं। फाइनली भाई मेन डेस्टिनेशन भाई ये छत पर, और यहाँ के भाई तो नहीं का व्यू देखो ना भाई, तो नहीं के भाई फ्लावर हो जाए। और भाई ये जो भाई सामने दिखा था भाई ये मेन क्रिकेट ग्राउंड ना भाई, मिनी क्रिकेट ग्राउंड होगा भाई, और मेन क्रिकेट ग्राउंड भाई हम तो नहीं का देखा है। भाई देख ले भाई हमने के BH2 का भाई हॉस्टल से भाई कितना तगड़ा नज़ारा भाई दिखा ले भाई कॉलेज के। और सामने ऊ जो भाई तो नहीं का बिल्डिंग दिखा जा रहा है बड़ा सा,
ये को भाई इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल्डिंग भाई, यहाँ के भाई इंजीनियरिंग कॉलेज। और इधर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है भाई सैनिक स्कूल। और उधर वो जो बिल्डिंग दो दिख रहा है भाई बिल्डिंग, वो है भाई गर्ल्स हॉस्टल। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी ये जहां या ना, अरे बोलो। और ईवा भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहां भाई उखले भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पढ़ाई। और ये देखो भाई तेरे नाम सामने भाई जो दिखा था भाई ये सब जगह, वो है भाई सिपाया ढाला। और खा जो टावर दिखा था ना भाई, वो भाई सिपाया ढाला के मार्केट। ये वाला जेबा भाई, ये भाई सैनिक स्कूल के हॉस्टल बना था भाई अभी। तो भाई हमनी के भाई जो ये हॉस्टल का टूर है मानिए लगभग कंप्लीट है। और अब हम भाई हमने क्या निकला था नहीं यहाँ से। और तुम्हें भाई ब्लॉग कैसा लागल भाई, जीपी गोपालगंज कॉलेज भाई कैसा लागल भाई, तुम्हें कमेंट करके बताओ। ठीक है भाई, तो हमने के भाई ब्लॉग होता है भाई यहाँ खत्म। बाकी भाई ये तीनों हॉस्टल है भाई सेम स्ट्रक्चर बाटे, और भाई तीनों हॉस्टल भाई सेम फैसिलिटी बा। तब भाई एगो ब्लॉग एगो हॉस्टल दिखा देने भाई सामने, तो नहीं तीनों हॉस्टल देख लो भाई। अब लोग भाई एडमिशन लग रहा हमारे कॉलेज में, और भाई बेस्ट कॉलेज है भाई बिहार के भाई ढाला पर। और नीतीश भाई हमने गए थे स्प्राइट अनुज भाई का दुकान में भाई, हमने के सब कोई के भाई माउंटेन ड्यू पिलाओ।